If fx and gx are continuous functions satisfying fx equal to f of a minus x and gx plus g of a minus x equal to 2, then इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बताना है। देखो i इक्वल टू जिसका वैल्यू फाइंड करना है ये वाला, इसको हम लोग i इक्वल टू मानते हैं जो 0 टू a इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे किंग रूल लगाते हैं, किंग रूल मतलब x के प्लेस पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x, मतलब a माइनस x रखते हैं, तो 0 टू a होगा, यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा, ठीक है। अब देखो जब f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, एंड ये देखो ये जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ से हम लोग g ऑफ a माइनस एक्स फाइंड कर सकते हैं क्या, तो g ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस जी ऑफ एक्स आएगा ना, वही यहाँ पे रिप्लेस करेंगे दोनों के प्लेस पर, तो i इक्वल टू होगा 0 टू a और f ऑफ a माइनस एक्स के प्लेस पर एफ एक्स रखेंगे, g ऑफ a माइनस एक्स के प्लेस पर 2 माइनस जी एक्स रखेंगे इंटू डी एक्स है, ओके। अब देखो i इक्वल टू है, अब इंटीग्रल अलग अलग करेंगे तो 0 टू a होगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और डी एक्स कर देंगे माइनस 0 टू a और ये होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये होगा ना। अच्छा ठीक है, तो i इक्वल टू ये 2 ऑफ 0 टू a इंटू एफ एक्स डी एक्स तो रहने देंगे। अच्छा ये जो चीज़ है ये कितना है, यही ना i है, ठीक, इसके प्लेस में हम लोग i लिख देंगे, तो माइनस i है, इधर चल जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू होगा 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a इंटू एफ एक्स डी एक्स, और ये 2 और 2 कट जाएगा तो i का वैल्यू कितना आ गया 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स i का वैल्यू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, जो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, b ऑप्शन है,